अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुश आमदेद। खातिनो हज़रात, आज के शो में शामिल है खबरों पर तबसरा, जुबानो बयान और सितारों का हाल। जी जनाब। जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं कुछ छुपा के निकली हुई है मुंह पे यार। अरे तुम्हारा ये तीसरा चौथा दिन है कि सीधा जवाब ही नहीं देते हो तुम। यार खोचल, मैं असल में बात कोई और सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि हमारा ये जो सत्यानाश हुआ हुआ है ना, नहीं खैर सत्यानाश तो काफी साल पहले हो गया था, ये जो हमारा अठयानाश हुआ हुआ है ना, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे गली मोहल्लों में रंगबाजी बहुत है। यार ये रंगबाजी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये क्या प्रॉब्लम? अगले के ऊपर प्रेशर डालना या अगले को मुतासर करने की ड्रामेबाजी, रंगबाजी। यार तुम रंगबाजी नहीं समझते यार, हमारी बहुत सी ऑडियंस नहीं जानती ये जो फ्रेजेस तुम देते हो। तुम्हारा क्या, तुम तो दिन में छह छह नई नई चीजें, डिक्शनरी बन रही है एक, तुम्हारे पता अजीजी लुगत बन रही है। आज शुरू शुरू में मुझे लोग पूछते थे तबंटू क्या होते हैं, अब माशाल्लाह से यूज करते हैं तबंटू। अच्छा ये जो रंगबाजी है ना, एक खास किस्म इसकी ये भी है कि टेलीफोन के ऊपर मुतासर करना एक दूजे को। हाँ, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अहम शख्सियात से बात कर रहा हूँ। अक्सर मैंने देखा, मैं जहां भी जाके कहीं बैठू ना, उधर एक कद्दा रंगबाजी जरूर टक्करता है मुझे। और जब से ये मोबाइल फोन आया है ना, ये रंगबाजी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। लो जी, अगर अल्लाह का करना ऐसा हो जाए कि फोन आ जाए तो फिर तो वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर फोन ना आए तो कई रंगबाजों को मैंने देखा है कि वो जेब से दूसरा फोन निकाल के ना अपने उस फोन पे बेल दे के फटाफट जेब में डाल के ये जी जनाब ठीक ठाक है, मैं इधर दोस्तों के पास बैठा हुआ था। SSP का फोन। जी जी सुनाए, भाभी का क्या हाल है? जी जी बस दोस्तों के पास बैठा हुआ था। और सुनाए रंगबाजी। कई बंदे वजीरों के वाकफ निकल आते हैं। ये ग्वाल मंडी मैंने देखा है, जो बंदा भी फोन पकड़ के कान के साथ लगाता है वो पहला लफ ये कहता है, जनाब मियां साहब ठीक ठाक हैं? नवाज शरीफ का फोन। हाँ जी हाँ जी। और सुनाए जनाब, कल तो बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह बाल बहुत प्यारे लगे हैं आपको। जाहिर है, इसके अलावा और क्या बात कर यार। वैसे ये क्या बीमारी है, हर जगह ऐसे ही होता है। ये मुहज्जब दुनिया में तो बहुत बुरा समझा जाता है यार, बहुत। यानी हम मुहज्जब नहीं है? बहुत सी चीजों में अभी भी गैर मुहज्जब हैं, और खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में तो ये बीमारी इंतहाई आम है। पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जागीरदारी। जागीरदारी निज़ाम होता है, वडेरे का निज़ाम, जहां बादशाहत और ये जो कबायली सिस्टम इस किस्म का थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखें चलता आ रहा है, जहां पर देखा ये नहीं जाता कि आप कितना कुछ जानते हैं। अच्छा, कितने आलिम आदमी हैं, आपका इल्म कितना, आप क्या कुछ जानते हैं, देखा सिर्फ ये जाता है कि आप किस किस को जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वडेरे को जानते हैं, आप तमन को जानते हैं, अपने इलाके के जागीरदार को जानते हैं, तो फिर आपकी कुछ सुनवाई हो सकती है। जैसे थाना है, मतलब अगर देखा जाए तो इस छोटी सी डोमेन में थानेदार जो है वो एक बहुत बड़ा वडेरा है, बड़ा पाई होता है, बड़ा पाई होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं जानते तो फिर आप ख्याल रखिए कि कभी कोई गलती, कोई मामला आपसे सरजद हो जाए इत्तफाक से, मजाक से, तो आपको पांजा लगे ही लगे, तो आपकी खैर नहीं है। इसलिए फिर लोग अपने पास ताल्लुकात रखते हैं, डायरियां रखते हैं, ये मोबाइल फोन में छोटी छोटी बड़े बुरे रंगों वाली डायरियां रखी होती है। वो डायरी निकालते हैं तो अल्लाह जानता है दिल खटा हो जाता है, ऐसा रंग होता है उसका। और उसके ऊपर लिखा होता है उन्होंने बड़ा ब्रीक ब्रीक करके। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। दो तीन वाले का भी उसमें नंबर होता है और मियां नवाज शरीफ का भी नंबर होता है। हर किस्म का नंबर, मतलब दो तीन वाले के बिल्कुल साथ होता है नवाज। नहीं आगे पीछे हो गए, यार तुम क्यों मुझे फंसाते हो? नहीं नहीं, ये बात ये है, बड़ा अलमिया है। अब इसको इतना बुरा समझा जाता है, प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपनी इस तरह की वाकफियत को एक्सपोज ही नहीं करते। अगर तुम इस तरह कहना हो कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उसमें अगर ये कह दो कि अजीजी साहब जैसे लोग जो हैं तो तुम्हें को मौत पड़ती है। नहीं, अजीजी साहब जैसे, चलो मैं रिपीट कर रहा हूं। जी जी, जो पढ़े लिखे अजीजी साहब जैसे लोग। यस यस, खुश हो, ठंड पड़ गई है, बात करते जाते हैं ना फिर ये मखौल लगना शुरू हो जाता है। Yes, बात ठंडी हो जाती है यार, मैंने जब यस यस कहा तो उसको आगे गरम गरम कर दो। अब प्रोफेशनलिज्म का तकाजा यह है कि आप नाम मत लें, हरगिज ना लें, खाब प्रेसिडेंट को क्यों ना जानते हो, प्राइम मिनिस्टर आपका दोस्त हो, डू नॉट मेंशन हिम। मगर यहां हर कोई इसका इर्तकाब करता है, कोई भी इससे महफूज नहीं, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो जरूर ये नेम थ्रोइंग जो है ना,
वो जरूर करता है। हाँ, ये बड़े बड़े नाम जो हैं ये हम लोग गुफ्तगू में इतने लेते हैं कि अब तो लतीफों में बड़ा इस्तेमाल होता है इन नामों का। एक नाम तो SMS में इतना इस्तेमाल हुआ है कि हंसी आनी शुरू हो गई मान से। मैं कई दफा SMS बड़ा बैठ गया यार वही नाम फिर ले। यार खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, क्या हुआ? को और बात करो, अंदर तो नहीं होना तुमने? अच्छा, इसमें भी अंदर होती है? इसी पे तो अंदर होते हैं आजकल। यार मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने तो ये कहा है जनाब के इस तरह किसी का नाम इस्तेमाल करना बुरी बात है, खास तौर पर लतीफों में। अच्छा, इन रंगबाजों में ऐसा ऐसा यलबललड़ भी मौजूद है कि गलत नाम लेके तो गलत जगह पे लेतर भी खा लेते। इसकी अगर कुछ वजाहत कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। यार मैं खुद इसका डंगा हूँ। लो जी, मेरा स्कूटर एक बंदे में जा लगा। वो बंदा बेचारा गिर गया, मैं अल्लाह जानता है मैं उतरने लगा था उसे ठाने के लिए। वो कितने सारे बंदे इकट्ठे हो गए, पकड़ो पकड़ो। मैंने कहा ओए एक मिनट ठहरो। मैंने भी जरा रंगबाजी की, मैंने फौरन फोन जेब से निकाल के लगाया फोन को, और तुम ही मेरे वाकिफ थे, तुम्हें ही मैंने नंबर मिला लिया। इस कदर मनहूस आदमी है ये, इस कदर मनहूस आदमी है वो। इसके टेलीफोन पे अय्यूबी आ जाए तो मुझे तो लगता है शायद ये फोन फेंक देता है और कभी नहीं उठाता। हर शरीफ आदमी यही करता है वैसे। अच्छा, फिर मेरा नाम तो नहीं लिया उनके सामने? ओए तुमने तो उठाया ही नहीं फोन। चलो शुक्र। दूसरा वाकफ फिर मेरा सलीम किरला था। अच्छा बात सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारा वाकफ ही नहीं। सलीम किरले से इतना ना बादल हो जितना तुम पानी का जिक्र कर चुके हो ना अपने प्रोग्रामों में, तुम्हें भी खोचल का चुकुमा कहते हैं। अच्छा, मैं अगर किरला ना साथ कहता, सिर्फ सलीम साहब कहता तो वो डर जाते। अच्छा, अब मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ था, मैंने कहा जनाब सलीम किरला साहब। एक बंदा बीच में से कहता लो जी इसका तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा किरला वाकफ है, पकड़ लो इसे। वो मेरा कॉलर खींच रहा है, कोई इधर से बाजू पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। एक बीच में से कहता पाओ इन्हू लम्बिया। मैं भी आखिर इंसान था, मुझे भी गुस्सा आता है। ये फिक्रा उसके मुंह से निकला, मैंने तो स्कूटर फेंक दी। मैंने कहा कौन पाएगा मैंने लम्बिया। यस, मैं खुद लेट जाता हूं, मार लो अगर मारने तो। बंदे यादा थे ना, मैंने कहा इन्होंने तो बाकी लम्बिया पा ले। तुमने इतनी ये बेहूदगी क्यों की कि कौन पाएगा लम्बिया, फिर तुम खुद ही लेट जाते। यार वो ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि और लम्बिया पा के मारे। खुद बंदा लम्बिया पड़ जाए तो बंदा बाद में कह भी सकता है ना कि मैं लेटा हुआ था तो इन्होंने मारा, मैं खड़ा होता तो पता नहीं क्या। अगर खड़े को मारते तो फिर मैं देखता है। ये कह सकता है ना, फिर बंदा को बहाना तो रखना चाहिए। अच्छा, मेरे जैसे मासूम और भी बहुत होते हैं। होते हैं, यकीनन होते हैं, अहमकों से दुनिया भरी पड़ी है। यार अहमक और मासूम में बड़ा फर्क है यार, तुम क्या करते हो? बारीक सा फर्क है, बारीक सा। बारीक सा फर्क नहीं होता, अहमक बेवकूफ को कहते हैं जिसको अकल माती ना हो। ठीक ठीक, तुम इंतहाई अकलमंद हो, बात करो। ये तुमने पिछले दिनों अखबार में नहीं खबर पड़ी, वो शेख रशीद वाली? वो क्या? को बंदा थाने पकड़ा गया। अच्छा। उसने SHO को तड़ी लगाने की कोशिश की, अब आई आराम से मैं शेख रशीद कवर करूं। अच्छा, उसने माने कि ये में ही नहीं रहा कि शेख रशीद की तो जमानत जब्त होते होते रह गई। लो जनाब SHO ने लाल लितर लिया। और वाला कितने मारे? कितने? जितने शेख रशीद ने वोट लिए थे। और ये रंगबाजी तो इस कदर उतले लेवल तक पहुंच गई है कि अद्धे से ज्यादा पाकिस्तान जो वो तो मुर्शिद पाक। मैं सदके जाऊं सरकार, वजीर आजम साहब का नाम लेता है टेलीफोन की रंगबाजी में। वैसे यार मुर्शिद पाक का भी हर बंदा ही वाकिफ है। बहुत, ये बहुत। कहीं रक्षा तो नहीं थे चलाते? आपको पता है मुर्शिद पाक भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं। मैं सदके जाऊं सरकार, वैसे पीरी मुरीदी है ना उनकी, समझे नहीं बात को। बिल्कुल। एक मुर्शिद पाक इसके बचे थे जिनकी इसके बारे में राय कदरे बेहतर थी। आज के शो के बाद यार मैंने मसालन कहा, क्यों मुझे साड़ के सुहाग कराना है मसालन? तुमने अपना आखिरी व्यूअर भी आज जाया कर। असल में मुर्शिद पाक जो है ना उनका इसलिए वाकफियत ज्यादा, आधा पाकिस्तान तो उनका क्लास फैलो या स्कूल फैलो है, और आधा पाकिस्तान जो रह जाता है वो उनका जेल फैलो है। चलो जरदारी साहब के तो सारी जेल फैलो है ना। ओहो, क्या मतलब? और उनका कोई वाकफ नहीं? ओ यार वो इंग्लैंड से पढ़े हैं, उनके उधर है वाकफ वुकफ सारे। वो कॉलेज उनका इंग्लैंड में था जो गुआच गया हुआ है। क्या थी? वैसे मुर्शिद पाक की तो और बड़ी दोस्ती है ना,
उर्स फैलो, दरबार फैलो। नहीं वैसे इसमें कोई शक नहीं, मिस यूज तो करते हैं ये बड़े बड़े लोग। यार इस तरह का मिस यूज, तू पंजाब पूरा भरा पड़ा है, ये मियां नवाज शरीफ का फोन ही नहीं खत्म होता है। तुम ग्वाल मंडी चले जाओ, हर जगह पे हर थड़े पे बैठ के लोग मियां नवाज शरीफ का फोन मनाया हुआ है। ऐसे लगता है कि मियां नवाज शरीफ रोजाना को 1.5 लाख टेलीफोन सुनता है। यार 1.5 लाख तो क्या है, इतना मुबालगा भी ना। और यार मैंने ग्वाल मंडी में कसाई को छिछड़े उतारते हुए बातें करते सुना है, कल भी नवाज शरीफ का फोन आया था बाहर से। सही कह रहा हूँ यार, ये क्या बदतमीजी है यार, ऐसे ही छिछड़े उतारती है अंगूठे में छुरी फंसा के, और क्या बकरे को स्त्री करके छिछड़े उतारती है। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।